एक गवर्नमेंट ज्यादा दिन रहेगा ना तो वो सिच्चा चाड़ी हो जाएगा। नमस्कार, मूव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग डायमंड हार्बर सीट पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का इज्जत दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि उनका ये लोकसभा सीट है और यहाँ पे 8 विधानसभा सीट आते हैं इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और आज मतदान हो रहा है इस पर, तीसरे चरण में 31 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रही है। तो कुछ लोग हैं हमारे डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में, जिनसे जानेंगे क्या माहौल लग रहा है। इन लोग क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है शुभेंदु चौधरी। वोट डाल दिया आपने? सुबह ही डाल दिया है। क्या सोच कर डाला है इस बार? डाला है अच्छा सरकार बनाएंगे तो इधर बंगाल में हमको उन्नति चाहिए, ऐसे ही हम लोग चाहते हैं। अभी उन्नति नहीं हुआ? हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, हुआ है। और आप अपेक्षा कर रहे हैं? We need a more improvement. Yes. Changing? Actually, this changing is not depend in my vote. Okay. Almost all the people are casting their vote, and then change should become. Okay. यहाँ पे बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर हो रहा है, यहाँ से जैसे ममता बनर्जी के भतीजे का लोकसभा क्षेत्र है। एक्चुअली इधर टीएमसी और बीजेपी के टक्कर नहीं हो रहा है, इधर और एक है सीपीआईएम के है, वो जो भाईजान है ना, ठीक है, वो जो तीनों पार्टी का टक्कर हो रहा है इधर। सीपीआई भी मैदान में? यस यस, मैदान पे है। तो उनका मतलब बीजेपी में जाना और यहाँ से वो पहले विधायक रह चुके हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, और वो जीतेंगे कि मतलब हारेंगे, ऐसा मतलब यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? जीतेंगे क्या हारेंगे ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। देख, कॉन्टेस्ट बहुत टफ है। तीनों आदमी का कॉन्टेस्ट बहुत टफ है। आपको सोनार बंगला चाहिए? सब लोग केला होवे वो सब झूठ बात है। केला होवे हुए हम लोग इम्प्रूवमेंट चाहिए देश में, इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको। क्या नाम? पार्थ सारथी। आपने वोट? हाँ। क्या सोच कर डाला इस बार वोट? वो जो हमारा बड़े भाई कहाँ वही सेम सेम डेवलपमेंट चाहिए आप लोग। डेवलपमेंट अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ? डेवलपमेंट है और ज़्यादा चाहिए। कौन कर सकता आपके लिए, दीदी या मोदी जी? वो तो वक्त ही बताएगा ना, अभी हम कभी कैसे कह सकते हैं, ठीक है। क्या सोचकर आपने आज वोटिंग किया? देखिए, वोट हमारा गणतांत्रिक अधिकार है, ठीक है। अगर हम वोट नहीं देके घर में बैठेंगे तो गणतांत्रिक अधिकार का प्रयोग नहीं होगा। वोट तो किसी को किसी ना देना ही होगा ना, ठीक है। दीदी कह रही कि खेला हो बे, मोदी जी कह रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे। खेला हो तो उनका माने क्या बताए, उसका अलग ओपिनियन है, मोदी जी का अलग ओपिनियन है, ये सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग स्लोगन है। आप मोदी जी के काम से खुश हैं? देखिए, हमारा मोदी जी एक गवर्नमेंट का हर काम, माने एक गवर्नमेंट अगर 10 जब करे ना, उसका 10 सही नहीं होता, कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है, ठीक है। बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी यहाँ से अभी मौजूदा सांसद हैं, उनके काम से खुश हैं? टीएमसी का भी सबसे ज़्यादा सीट यहाँ टीएमसी के हैं, उनका कुछ काम अच्छे है, कुछ अच्छे नहीं लगते। क्या नाम है सर आपका? शोभमित्र कपाड़ है। वो डाल दिया आपने? नहीं, डाल नहीं जाएंगे आप? क्या सोच के डालिएगा आप? मेरा माने आपका पर्सनल अधिकार, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप किसको डालिएगा, बट आपको ये तो आप উন্নয়ন তো অবশ্যই চাই যে আমরা যেই আসুক লিডিং এ যেই আসুক আমরা চাই যে আমাদের এলাকায় উন্নতি হোক এটা আমরা তো সবাই চাই। যে আমাদের মানে মানে ডায়মন্ড হারবারে আমরা উন্নতি চাই, আমাদের বাইরে থেকে লোকজন আসে, এবং ডায়মন্ড হারবারে উন্নতি তো আমরা সবসময় চাই, যেই আসুক উন্নতি করুক। কিভাবে
यहाँ पे मुझे बताइए आपकी 8 विधानसभा सीट इसके अंदर आते हैं, सबसे ज्यादा अभी मतलब पिछली बार विधानसभा चुनाव यहाँ से टीएमसी ने जीता था, इस बार के मुकाबला किसके किसके बीच में? अभी भी यहाँ पर जो माहौल है उससे ये लग रहा है कि टीएमसी हावी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब आप परसेंटेज देखें तो यहाँ पर की जो भी विधानसभा सीट है वहाँ पर बढ़त टीएमसी को ही थी, और जो भी तीन लोकसभा क्षेत्र आते हैं दक्षिण 24 परगना में उन तीनों सीट पर जो है टीएमसी का कब्जा हुआ था, तो इससे लगता है कि यहाँ पर जो है टीएमसी अभी भी वर्चस्व में है। मगर अभी फिलहाल ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी पिछड़ रही है, बीजेपी का क्योंकि अभी मूवमेंट जो है बदला है और वो आगे मतलब बहुत ही फ्लो में आगे बढ़ रही है, डेवलपमेंट चाहिए हमें डेवलपमेंट के नाम, और सब डेवलपमेंट के नाम पे तो यहाँ पर वोटिंग के लिए कर रहे हैं, पर पत्ता नहीं खोल रहा है कोई, ये नहीं, यहाँ पर साइलेंट वोटर्स की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कोई अपना पत्ता नहीं खोल रहा है कि मुझे मोदी चाहिए या दीदी चाहिए। हाँ, दीदी के समर्थक तो खुलकर सामने आ रहे हैं, मगर मोदी के समर्थक यहाँ पर अभी भी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, तो इससे लगता है कि यहाँ पर अभी भी जो है वर्चस्व जो है दीदी का ज़्यादा है यहाँ पर। अब ये लोकसभा क्षेत्र जो डायमंड हार्बर है और ये डायमंड हार्बर सीट है, यहाँ से जो अभी वर्तमान के विधायक हैं दीपक हल्दार वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मगर इज्जत वाली सीट भी है ममता बनर्जी के लिए क्योंकि उनके भतीजा का लोकसभा सीट है, तो यहाँ पर जो है एकदम फाइट जो है एकदम, क्योंकि सीटिंग एमएलए है और वो अपना जो है पार्टी बदल चुका है, तो बहुत ज़्यादा फाइट यहाँ पर है। और यहाँ के आसपास के जो इस लोकसभा में जो क्षेत्र में जो विधानसभा सीट आती है वो सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पर जो है अभी सीटिंग एमएलए टीएमसी का है और बीजेपी वहाँ पर फाइट कर रही है, तो बीजेपी जो फाइट कर रही है वो लग रहा है कि बहुत सारे उनके कार्यकर्ता जो नए जुड़े हैं उनसे, तो अभी आगे बढ़ने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी में टीएमसी का वर्चस्व थोड़ा अधिक दिख रहा है यहाँ पर अभी। तो साफ तौर से डेवलपमेंट, एक गवर्नमेंट ज्यादा दिन रहेगा ना तो शिक्षा चाड़ी हो जाएगा, ठीक है। मानिए इस साल आप गवर्नमेंट में है, आप 10 फैक्ट्री बनाएगा, मैं कॉमन पब्लिक हूँ, मेरा एक्सपेक्टेशन है अगर आपको चेंज करके उस गवर्नमेंट को लाया जाएगा तो वो 10 फैक्ट्री बनाएगा, आप 20 सड़क बनाएंगे वो 25 बनाएगा, ठीक है। उसके सर में हमेशा ये दिमाग में यही चलता रहेगा, अगर मैं डेवलपमेंट नहीं किया तो जनता मुझे चेंज कर देगा, ठीक है। एक गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कि एंटी इनकम्बेंसी भी यहाँ पर बंगाल में जो पिछले 10 साल से टीएमसी की सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हावी होने जा रही है, क्योंकि अभी बीजेपी का पिछले लोकसभा चुनाव से पहले देखें तो यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं था, 3 विधानसभा सीट थी मात्र जो 2016 के चुनाव में, और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 18 लोकसभा सीट पर कब्जा किया है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो है अपना जो है पांव जो है तेज़ी से पसार रही है बंगाल के अंदर में। अब इस विधानसभा चुनाव में जैसे उनका टारगेट है कि सरकार बनाना, मूव उनका जो है सरकार बनाने की ओर है, मगर देखते हैं कि आगे क्या होता है, वोटिंग का दौर जो है अभी जारी है, तीसरे चरण का वोटिंग आज हो रहा है आगे, और डायमंड हार्बर सीट पर ममता बनर्जी की इज्जत प्रतिष्ठा दौर पर लगी हुई है, इस सीट पर किसी भी हाल में उनको जीतना ही है। टीएमसी के लिए जो है एकदम हाई मतलब वोल्टेज सीट है, और यहाँ पर क्योंकि जो डायमंड हार्बर सीट है वो लोकसभा क्षेत्र भी है, और यहाँ पर जो है उनके भतीजे जो जिनको उत्तराधिकारी टीएमसी का कहा जाता है भाईपों को, वो वहाँ को कमान भी दिया है। हाँ, तो उनका जो है बहुत सारा जो है यहाँ पर मायने रखता है कि वो यदि यहाँ से चुनाव जीत उनके पार्टी के लोग चुनाव जीतते हैं तो उनका जो है कद जो है पार्टी में और बढ़ेगा, यदि यहाँ से उनकी पार्टी की हार होती है तो फिर जो है अभिषेक बनर्जी को कहीं ना कहीं ये देखने में लगेगा कि नहीं मेरा कद जो है कमज़ोर हुआ है लोगों के बीच में पार्टी के बीच में, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस बार के विधानसभा चुनाव में। बंगाल में जो है बहुत कांटे की टक्कर होने जा रही है, जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में इतने फाइट नहीं देखने को मिले थे, मगर इस बार बहुत कांटे की टक्कर होने को लोग इस पर पूरे देश की नज़र है, बंगाल चुनाव जो है इस बार बहुत कांटे का होने जा रहा है, कांटे का होने जा रहा है। साफ तौर से डायमंड हार्बर सीट पर सभी की नज़रें हैं, 2 मई को पता चल जाएगा कि डायमंड हार्बर सीट पर क्या नतीजे आएंगे। डायमंड हार्बर से केशव झा की रिपोर्ट, कैमरामैन राहुल के साथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।